Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discussed about the image gradient. मैंने आपको बताया था कि image gradient क्या होता है और उसमें से आपको मैंने कुछ techniques बताई थी edge detection के लिए like Laplace derivative, Sobol x and y. I hope आपको ये सारी की सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोगों को सब कुछ इजिली इंप्लीमेंट करना आ गया होगा. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ Kenny edge detection technique जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है और उन सबसे अच्छे जो कि आप अभी तक पढ़ चुके हो. तो आज की वीडियो में हम Kenny edge detection टेक्निक को प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं. तो चलते हैं अपने आईडीई के पास और स्टार्ट करते हैं गाइस. सो गाइस दिस इज माय आईडी स्पाइडर और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ थ्योरी लिख रखी है कि जिसके हेल्प से आपको समझ में आएगा कि Kenny edge detection टेक्निक होती क्या है. ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है एज डिटेक्ट कराने के लिए और एज डिटेक्ट कराने के साथ साथ ये और भी काम करती है. लाइक ये पांच अप्रोचेज है जो कि ये फॉलो करती है. सबसे पहले नॉइज रिड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ गॉसियन फिल्टर. मैंने आपको बता दिया था गॉसियन फिल्टर क्या होता है जब हम स्मूथनिंग पढ़ रहे थे. उसके बाद ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करती है कि आपकी इमेज में क्या कितने एजेस हैं, क्या है, कितने लेवल पे आप इसे आपकी इमेज को ऑब्जर्व करना है. उसके बाद नॉन मैक्सिमम सप्रेशन. तो गाइज अभी आप इसका नाम याद रखो, फर्दर आगे वीडियोस में मैं आपको ये काफी अच्छे लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ. आफ्टर दैट डबल थ्रेश होल्डिंग. डबल थ्रेश होल्डिंग का मतलब क्या है, एक आपकी स्टार्टिंग लिमिट और एक आपकी एंडिंग लिमिट, तो ये उसका एक पैरामीटर है. आफ्टर दैट एज ट्रैकिंग बाय हिस्टरेसिस. हिस्टरेसिस मतलब एक तरह का ग्राफ कि आपने कहां से स्टार्ट करा और कहां खत्म करा, जो कि डबल थ्रेशोल्डिंग के हेल्प से चलता है. तो ये कुछ अप्रोचेस है जो कि ये फॉलो करता है अपने इंटरनली. तो बेसिकली ये एज नहीं डिटेक्ट कराता है, एज के साथ साथ ये सारी की सारी चीजें भी करता है और आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं. और इसे जो डेवलप करा गया था गाइस, ये जॉन एफ कैनी ने डेवलप करा था 1986. तो यार ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एज डिटेक्शन के बारे में जो कि आप Kenny edge detection एल्गोरिदम से करने वाले हो. तो चलो मैं अपना एक डेमी कोड लिख लेता हूँ यहाँ पर, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा. ये कोड मैं हमेशा यूज करता हूँ. इमेज है, इमेज को मैंने रीड कराया है. रीड कराने के बाद सिंपली मैंने रिसाइज करा है बिकॉज बहुत बड़ी इमेज थी और इसे मैंने BGR से ग्रे में कन्वर्ट कर लिया है और आप लोगों को शो करा दिया है. तो चलो इसे ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कैसी इमेज है. ये आपकी इमेज आ गई है, ये है आपकी ओरिजिनल इमेज और यह है आपकी ग्रे स्केल इमेज गाइस. तो इन दोनों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट ये इमेज मुझे थोड़ी सी बेकार सी लग रही है. मैं इसे रिसाइज अच्छे लेवल पे कर लेता हूँ. लाइक अगर मैं इसे 600:600 पे रिसाइज करता हूँ तो ये थोड़ी सी बेटर लगेगी जहां तक मुझे लगता है. यस गाइस अब ये बेटर लग रही है. तो देखो इसमें मैं ऑब्जर्व करूंगा एजेस एंड ऑल, जो भी मुझे करना है मैं इस इमेज में परफॉर्म करूंगा. मैंने इसे रेडी कर लिया है और बहुत छोटा सा फंक्शन है आपका Kenny edge detection टेक्निक. तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है वो. सबसे पहले मैं आप लोगों को पैरामीटर्स बताता हूँ उसकी, कि वो क्या क्या पैरामीटर्स एक्सेप्ट करने वाला है, फिर मैं उसे आप लोगों के लिए इंप्लीमेंट करूंगा. तो आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आप इसमें एक इमेज पास करोगे. यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले आप इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों को इमेज पास करना है. तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम मैंने Kenny रख दिया है यहाँ पर. एंड cv2 डॉट जो फंक्शन का नाम है वो है Kenny. Kenny का सी कैपिटल रखोगे आप. तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, Kenny CANNY. तो ये देखो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है Kenny, मैंने यहाँ पर लिख दिया है. और फ्रेंड्स इसमें आप दो चीजें पास करोगे, एक है लोअर थ्रेशोल्ड और एक है अपर थ्रेशोल्ड. अभी के लिए मैं लोअर थ्रेशोल्ड 100 रख देता हूँ और अपर 200 रख देता हूँ. गाइस ये जो थ्रेशोल्ड है ये आप रैंडमली नहीं रख सकते हो, मैंने रख दिया है, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे प्रॉपरली कैसे सेलेक्ट करोगे. यहाँ पर आपका Kenny edge detection रेडी है, बस मुझे साहब आप लोगों को शो कराना है. तो मैं लिखूंगा cv2.imshow फंक्शन. आई एम शो की हेल्प से मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इसका टाइटल क्या होगा. तो टाइटल होगा Kenny एंड एट लास्ट इसको मैं पास कर दूंगा Kenny को, जो भी मैंने इमेज बनाई थी यहाँ पर. तो ये मेरा रेडी है, मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ, आप लोगों को अब आउटपुट मिलेगा. ये मैंने इसे ऑपरेट कराया गाइस. ओके एरर आई है यहाँ पर. ओके मैं इसमें इमेज पास करना भूल ही गया, मैंने सिर्फ नॉर्मली इसमें एजेस पास कर दिया और थ्रेशोल्ड पास कर दिए. तो मैं अपनी इमेज जो कि मेरी ग्रे स्केल इमेज थी img_gray मैं ये पास करना ही यहाँ पर भूल गया था. तो gray था ये ग्रे. तो ये मेरी इमेज आ गई गाइस. तीन पैरामीटर, सबसे पहला इमेज, दूसरा थ्रेश एंड देन थ्रेश 2. अब देखते हैं गाइस ऑपरेट करा के. तो ये मैंने ऑपरेट कराया और ये आपकी तीनों इमेज आ गई है. ये थी आपकी ओरिजिनल इमेज अगर आप लोगों को दिख रही है तो, इसे साइड कर लेते हैं. उसके बाद थी ग्रे स्केल इमेज जो कि कंपेयर करानी हो और ये थी आपकी. तो इसमें देखोगे आप बोलोगे कि यार सारी एजेस तो इसमें डिटेक्ट नहीं हुई है गाइस. वो इस वजह से नहीं हुई है क्योंकि जो थ्रेश होल्ड था वो मैंने रैंडम पास कर लिया था. मैं थ्रेश होल्ड को थोड़ा सा कम करता हूँ. लाइक मैंने यहाँ पर 50 से 150 कर लिया है. 50 से मैंने क्या बोला कि यार 150 के बीच में दे देता हूँ, अब देखते हैं क्या आएगा. तो चलो फ्रेंड्स अब देखते हैं. तो ये मैंने ऑपरेट कराया और फिर से देखोगे तो इस बार जो मेरे एजेस आई है वो काफी बेटर आई है.
प्रीवियस वाले से बेटर रिजल्ट है। और इसमें अगर आप देखोगे तो मेरी नॉइज भी नहीं है कहीं पर ज्यादा, तो ये नॉइज रिडक्शन, आपका इमेज ग्रेडियंट एक्सट्रैक्शन, ये सब कुछ कर देता है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट आपको कैसे पता चलेगा गाइस कि आप लोगों को कौन सा थ्रेशोल्ड कब पास करना है? ये तो यार बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है जहां पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिले, तो उसके लिए आप अपने ट्रैक बार्स का यूज करोगे गाइस। तो मैं अब आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि यार आप इसमें ट्रैक बार्स कैसे इंसर्ट कराओगे सो दैट आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया गाइस और मैं अब इसमें ट्रैक बार इंसर्ट कराने वाला हूँ। तो आप सबको पता है ट्रैक बार के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये जो इमेज था इतना काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो इससे तो मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। ये तो अंडरस्टूड है कि यार ये तो आने ही आना है। इतना करने के बाद गाइस मुझे क्या करना है, इसे ग्रे में भी कन्वर्ट करना है, तो चलो ग्रे में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये भी मैंडेटरी है, तो ये भी हो गया है गाइस। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा नथिंग। और आपको पता है फंक्शन बनाने की जरूरत क्यों है मुझे, क्योंकि ये वो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा जो कि मेरे ट्रैक बार वहां से थ्रो करेगा और जिसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। इसके बाद मैं अपनी विंडो का नाम दूंगा तो cv2.named window। तो नेम्ड विंडो के लिए मैं cv2.named window का जो फंक्शन है मेरे पास वो मैं कॉल करा लूंगा। यहाँ पर देखो आ गया ये। और नाम रख दूंगा मैं अपनी विंडो का कैनी, कैनी नाम रख दिया है मैंने, कैनी एज डिटेक्शन टेक्निक है तो कैनी नाम मैंने यहाँ पर रख दिया है। आफ्टर दैट क्रिएट ट्रैक बार, तो क्रिएट के लिए मैं सिंपल लिखूंगा क्रिएट, और ट्रैक बार का ऑप्शन भी यहाँ पर आ गया है गाइस। ऑटो कंप्लीट बहुत अच्छा है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं क्या नाम रखूंगा अपने ट्रैक बार का, थ्रेश होल्ड, क्योंकि मुझे थ्रेश होल्ड ही फिक्स करना है तो मैंने थ्रेश होल्ड नाम रख दिया है। किस विंडो पे एग्जिस्ट करेगा या जाके, कैनी पे। और जो स्टार्टिंग रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से 255। गाइस 0 से 255 क्यों बोल रहा हूं मैं, आप लोगों को पता होगा वो इसलिए क्योंकि आपकी जो कलर रेंज होती है वो 0 से 255 ही होती है। 0 मतलब ब्लैक पिक्सल और 255 मतलब मैक्सिमम पिक्सल। तो यार इतने में आपके जितने भी कलर के उसमें डिविजन्स बनेंगे आपकी इमेज में वो सारे के सारे आ जाएंगे। इतना करने के बाद बस मुझे वैल्यू गेट करनी है, तो वैल्यू गेट करने के लिए वाइल ट्रू एक लूप लगाऊंगा सो दैट, क्यों, बिकॉज मैं ट्रैक बार तो हमेशा ही मूव करा सकता हूँ ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पर लूप लगाने की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज मैं सिंगुलर भी से कर सकता था विदाउट लूप। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, गेट ट्रैक बार वैल्यू, तो गेट ट्रैक बार वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा गेट ट्रैक बार वैल्यू फंक्शन। और कहाँ से उठाएगा ये, थ्रेश होल्ड से। तो सबसे पहले तो मुझे वही पास करना पड़ेगा जहां से मेरी वैल्यू आएगी, थ्रेश होल्ड। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मैंने लिख दिया है कि मेरी जो वैल्यू आएगी वो थ्रेश होल्ड से आएगी। कौन सी विंडो पे जाकर लाई करेगी ये, कैनी पे। तो यहाँ पर मैंने कैनी को भी लिख दिया, अगर आप लोग देखोगे तो इतना काम मेरा हो गया है, मेरी वैल्यू आएगी थ्रेशोल्ड से और किस विंडो पे जाके बनेगा एक ट्रैक बार, आपका कैनी पे बनेगा। तो इतना काम मैंने कर लिया है। एट लास्ट मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ए को प्रिंट करा देता हूँ सो दैट आप लोगों को पता चल सके कि ये ए है क्या एक्चुअली। ये भी हो गया है। एंड अब मुझे रिजल्ट बनाना है, तो रिजल्ट के लिए क्या है, सिंपली जो कि मेरा कैनी एज डिटेक्शन था मैं उसे लेके आऊंगा। ये रहा मेरा कैनी एज डिटेक्शन, यहाँ पर इसे प्रिंट करा दूंगा। तो इसे हटा देते हैं क्योंकि आरईएस में मैंने अपने रिजल्ट सेव कराए। तो गाइस यहाँ पर अब क्या होगा, इमेज तो ग्रे में आएगी ये तो अंडरस्टूड है, बट जो ये वाला पैरामीटर है ये आपका ए पास होगा, और ये वाला जो पैरामीटर है ये होगा आपका सिंपली 255। मतलब कि आपकी ये वैल्यू आप कम ज्यादा करोगे, ये मैंने फिक्स कर दिया 255। ओके, ये इसकी क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनिशियली 0 से स्टार्ट होगी। तो जैसे जैसे आप इसे ड्रैग कराते जाओगे ये 255 की तरफ बढ़ती जाएगी। तो जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है वो 255 है और जो मिनिमम है वो ए है। ए मतलब मेरे ट्रैक बार का वैल्यू जो था। और एट लास्ट में क्या करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, वेट की का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यार मेरा कभी भी कोई भी कोड इमेज प्रोसेसिंग का नहीं चल सकता है। एंड हम लोग अच्छे बच्चे हैं तो हम सारी मेमोरी फ्री करके जाएंगे। सो गाइस अब इसे ऑपरेट कराते हैं और देखते हैं जो इतनी मेहनत से हमने ट्रैक बार बनाया है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो ये मैंने इसे ऑपरेट कराया गाइस, और यहाँ पर मेरी इमेज नहीं आई है, तो सो दैट मैंने लग रहा है कि कुछ मिस्टेक तो कर ही दी है, बट मेरा ट्रैक बार काम कर रहा है। चलो देखते हैं कि क्या मिस्टेक करी है जो मेरी इमेज यहाँ पर नहीं आई है। सो गाइस वो इसीलिए नहीं आई है क्योंकि मैंने यहाँ पर रिजल्ट बना तो लिया बट मैंने उसे शो नहीं कराया, मैंने डायरेक्ट वेट की लगा दी थी। तो चलो शो करा लेते हैं, एक लाइन मिस कर दी थी, जब मैंने आउटपुट शो ही नहीं कराया तो वो आएगा कहाँ से, मेरी ही गलती है ये भी। तो चलो कैनी नाम से जिस विंडो पे भेजनी है मैंने वो विंडो का नाम पास कर दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, आरईएस। तो अब देखते हैं गाइस आपका आउटपुट क्या आता है। अब मैंने इसे फिर से ऑपरेट कराया गया और देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। सो गाइस यहाँ पर देखो मेरे जो आउटपुट स्क्रीन है वो आ चुकी है और यहाँ पर मेरी 0 पे जो एजेस डिस्प्ले होनी थी वो हो रही है। अब मैं इस ट्रैक बार को यहाँ से बढ़ाना शुरू करता हूँ। देखो तो जैसे जैसे आप इसे बढ़ाओगे आपके जो एजेस है वो देखो अपने अकॉर्डिंगली, आपको नॉइज भी नहीं चाहिए तो जो फालतू की जो बीच बीच में नॉइज है इसे भी आपको रिमूव करना है। तो जैसे जैसे आप इसे बढ़ाते जाओगे आपकी प्रॉपरली एजेस डिटेक्ट होती जाएगी और अनडिटेक्ट होती जाएगी। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे इसके जो सेचुरेशन वैल्यूज है वो कम होती चली जाएगी, मतलब कि जैसे आप अगर यहाँ पर पहुंच जाओगे तो आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा।
मतलब आपने क्या कर दिया है, जो आपका जो ए थ्रेशोल्ड था इसे किसके बराबर कर दिया है, इसके अपर लिमिट के बराबर कर दिया है। यहाँ पर देख लो साइड में प्रिंट भी हो रहा है, मैंने कितना कर दिया है 253 कर दिया है, जो कि बहुत बेकार बात है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसे फिर से वापस बैक लेके आने वाला हूं। सो गाइस, जिस भी ट्रैक बार की वैल्यू को यहां पर आपको इसे लिफ्ट करते करते शिफ्ट करते करते आपको जहां पर भी सही वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी वहां पर आप इसे छोड़ दोगे और उस वैल्यू को नोट कर लोगे कि वहां पर आपका सिलेक्टेड और डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। तो जैसे कि मैं अगर बताऊं तो मुझे जो बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं वो मुझे सिंपली अराउंड 45 या 50 के अप्रॉक्स मिल रहे हैं। तो अगर मैं 45 और 50 पास कर रहा हूँ तो यार मुझे बहुत बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, मेरा जो ट्रैक बार है बहुत प्रॉपरली और अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो यार ये था आपका प्रॉपर कैनियर डिटेक्शन टेक्निक, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ट्रैक बार भी लगा के बता दिया है, आपका काम और इजी हो गया है। आई होप यार आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है एज डिटेक्शन के लिए। अगर आप इसमें चाहो तो मल्टीपल इमेजेस भी पास करके देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी बिल्डिंग के अलावा अगर मैं यहाँ पर हल्क की इमेज पास करता हूँ तो देखते हैं क्या आएगा मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने हल्क डॉट जेपीजी पास कर दिया और देखते हैं आउटपुट में क्या आने वाला है। तो इसे मैं ऑपरेट कराता हूँ और ये मैंने ऑपरेट कराया, तो देखो गाइस जहाँ पर मेरी अब हल्क वाली इमेज आ चुकी है, इसे मैं ड्रैग करता हूँ और देखता हूँ मेरे फाइनल और अच्छे रिजल्ट मुझे कहाँ पर मिलेंगे। सो ये मैंने ट्रैक बार पकड़ा और मैं इसे मूव कर रहा हूँ। तो देखो गाइस जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ मुझे बेस्ट रिजल्ट इसके 22 पे मिल रहे हैं, 24 के बाद मतलब 20 अराउंड 50 के बाद मेरे रिजल्ट बेकार हो रहे हैं। तो अगर मैं इसे 24 पे फिक्स कर रहा हूँ तो 24 पे मुझे बैकग्राउंड में हल्क भी दिख रहा है, बैनर भी दिख रहा है, प्रोफेसर हल्क भी दिख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यार मुझे बेटरली दिख रही है पिक्सल नंबर 22 to 24 के बीच में। तो इसी तरीके से आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो गाइस, मैंने आपको दो इमेजेस पे इसे करके दिखा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जाने से पहले यार वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार आपको चीजें समझ में कितनी आ रही है। इससे रिलेटेड मुझे कोई भी कोड अपने लेवल पे क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग मुझे बना के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ये कोड और ये इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, गिटहब पे जाके आप इसे डाउनलोड करिए और गिटहब पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स है मैं गिटहब पे ही अपलोड करता हूँ। तो यार वहां पर भी मुझे फॉलो कर लो, सो दैट मैं कोई भी प्रोजेक्ट अपलोड करूँ तो यार उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो में इतना ही, टिल देन थैंक यू, बाय गाइस।